शनिवार की रात शरीर के इस अंग पर लगा लेना सरसों का तेल। इतना धन आने लगेगा कि आसपास वाले आपसे जलने लग जाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ज्ञानी फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शनिवार के दिन शरीर के इस अंग पर लगा लेना सरसों का तेल, आपका कितना भी पुराना से पुराना रोग, कष्ट, दुख, दर्द हो सब हो जाएगा जड़ से खत्म। इसी के साथ एक महीने में बन जाओगे आप धनवान, क्योंकि शनिदेव महाराज जी करेंगे धन की वर्षा। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित है। शनि से जुड़े कई उपाय और बहुत सारी धारणाएं समाज में प्रचलित है। कहा जाता है कि शनि कर्म फल प्रदाता है, जिसका कर्म व्यक्ति करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। शनि ग्रह आपके घुटनों और पैरों के कारक ग्रह हैं। जिन भी जातकों के घुटने दर्द होते हैं या पैरों से संबंधित समस्याएं आती हैं, उनका सीधा सीधा कनेक्शन शनि ग्रह से है। धन से संबंधित समस्याएं भी शनि की शुभता प्राप्त करने से सुलझ जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और विशेष चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नकारात्मक से सकारात्मक होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होने शुरू हो जाती है। परंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है कि कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको किसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये उपाय समझा जाता है। शनिवार का दिन बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस दिन तो टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे ये मायने रखता, और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ा ये परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, एक के पश्चात एक और एक के पश्चात एक आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनि अपना रंग दिखाते हैं, पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका कैरियर रोजगार एकदम से खत्म, तो यह है दंड अधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इससे बाहर निकलें, कैसे मनाएं? एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगाजल रोज ही डालना है। गंगाजल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के किसी बर्तन में रात में ही जल भर कर रख लें। सुबह सुबह दो चार बूंद अपने मुख्य द्वार पर हल्का सा डाल दें। परंतु शनिवार के दिन क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवाते होंगे, तब आपको कुछ बातें का ध्यान रखना है। शनिवार के दिन पहले झाड़ू ना लगाकर पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, जब दो चार बूंद छींटे डाल दें और फिर सफाई करवाएं। पानी डालने से क्या होता है, जो अतिरिक्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाएगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगे, तो यह उपाय अवश्य करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पोछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे, जोड़ली वाला फिटकरी होता है, वो आप एक दलीलें लें, पोछे के पानी में एक बार घुमा लें या मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और उसमें जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। दो आप उस पानी से पोछा लगाएं या फिर नमक डालकर पोछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा, आप लोग स्वस्थ मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। ये बहुत सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा अवश्य करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे, यदि कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चुना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बीड़ा देंगे दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है घर में बना सकते हैं। उसके लिए एक पान का पत्ता ले और उस पर आप लोग इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। कथा भी डाल सकते हैं,
शनिवार के दिन क्योंकि सरसों के तेल का उपाय जाता है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। सरसों के तेल का सबसे विशेष उपाय ये होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें, फेस को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दे, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनिदेव का प्रकोप शांत होता है। परंतु हर किसी के लिए यह चीज संभव नहीं है। तब में जब आपके घर में रोटियां बनती हैं, तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए। उस पर एक चुटकी काले तिल रख दे और हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके पश्चात अपने ऊपर से 3 बार उल्टा बार ले। या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सर से बाहर ले और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दे। एक विशेष बात और भी है, शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल अवश्य लगाएं और संभव हो तो नाभि में लगाकर ऐसा करने से भाग्य उदय होता है। जीवन की कम होती है और आपने सुना होगा नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत होना भी, मैं थोड़ा सा चुना सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लें और थोड़ा सा तेल अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब हल्का सा ही सही, पर सर में तेल लगाकर ही सोए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है। शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के पश्चात आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर कभी भी हम अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके पश्चात हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। इससे शनिदेव आप पर कभी नहीं होंगे। कैसे उनकी करेंगे? बहुत सिंपल है। यदि आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती है, जानबूझकर ऐसा बनाया है ताकि आप पर नकारात्मक असर ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं, और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी गुड़िया, मिश्री, सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से अर्पित करके मां लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए, और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले के डालकर अवश्य जलाए। और यदि जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुख आदि का दिया जला दीजिएगा, लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे और एक बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके पश्चात हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव के अशुभ असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से बाहर निकल पाए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ असर नहीं देते, और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाए। कभी कभी शनिदेव यदि कुपित हो जाए, 7:30 चले, तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे, टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब यह चोला क्या होता है? चमेली का तेल सिंदूर में मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाए, उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। परंतु जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करें, हनुमान जी को स्पर्श ना करें। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूलकर भी किसी से पैसे उधार ना लें। यदि इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे, इसलिए शनिवार के दिन उधार लेने से बचें। इस दिन हनुमान खुश करने के छोटे से उपाय किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, तो यह दीपक सरसों के तेल और इसमें 2-4 दाने काले उड़द की डाल दें। यदि आपके पास काली उड़द के दाने नहीं हैं, जो काले तेल डाल दिया हो सकता है, आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो, तब क्या करेंगे?
तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिनी साइड आप एक दिया जला दें। सरसों के तेल का दिया इसमें कुछ मत डालिएगा। मिट्टी का दीपक जलाना है, दीपक के नीचे आसान अवश्य दीजिएगा। आसान मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां, पत्ते रख सकते हैं। इसके पश्चात इस दीपक का मुख्य दक्षिणी दिशा की तरफ रखें। यहां शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं यह पितृदेवों की नियमित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की जलाने से वही फल मिलते हैं। पश्चात में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनिदेव की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में भी बताएंगे। यदि आपकी नौकरी रोजगार की समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो लें और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा गर्म कर लें। उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालनी, नमक भी नहीं डालना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के पश्चात किसी भी जानवर को खिला दें। नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।